स्कूलों में जब धमाके का ईमेल की खबर आई तो माता पिता का क्या रिएक्शन था, सुनिए। एक्चुअली क्या है कि सुबह स्कूल का टाइमिंग है 7:50 का बच्चों को छोड़ने का, और उसके बाद क्या है कि हम बच्चों को लेके आते हैं उस टाइम पे। तो हम आए तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे आ चुके थे और हम भी अपने बच्चों को लेके आए हुए थे। तो हमें बताया गया कि अभी स्कूल किसी इमरजेंसी की वजह से बंद कर दिया गया है, आप बच्चों को वापस ले जाइए। हमने पूछा रीजन तो उस टाइम तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था, पर हम घर पहुंचे जब तक 8:05 पे उन्होंने अपना एक टेक्स्ट जो हमारे स्कूल का ग्रुप है उस पे आया कि स्कूल में कोई बम की उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है किसी मेल की वजह से, तो इसलिए स्कूल बंद कर दिया गया है। नहीं मतलब दोनों साइड से हुआ, जो स्कूल से बच्चे मतलब बस से जो आते थे बच्चे तो वो बस से गए, और जो मतलब बाय मतलब हम लोग लाते थे जो सेल्फ वो थे तो हम अपने बच्चों को खुद ले गए। हमें बताया गया कि जब स्टार्टिंग में हम आए तो हमें ऐसा कुछ खास नहीं बताया, हमें पता क्योंकि इमरजेंसी है स्कूल में छुट्टी दे रहे सब बच्चों को। फिर हम घर पहुंचे तो 8:05 पर हमें कोई मैसेज आया था जिसमें बम की इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ऐसे कोई उनकी धमकी वगैरह मिली हुई है, और यहाँ के पता चला कि मल्टीपल स्कूलों को ये चीज़ मतलब मैसेज वगैरह गए हैं किसी के कि बम वगैरह स्कूल में हैं। तो अभी सब अंदर हैं, हम वो जानकारी के लिए यहाँ पर आए हैं कि ऐसा कुछ है या क्या हुआ है। माता पिता हॉकलेक्स हो गए थे कि ये छुट्टी इमरजेंसी क्यों करी है। उन्होंने पूछा था यहाँ पे सबसे, मैडम से, गार्ड से, सबसे, तो उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, बताया नहीं। तो वो काफ़ी टाइम तक हल्ला गुल्ला भी करते रहे, तो यहाँ पे पब्लिक एकदम जाम हो गया पूरा एकदम से। तो उन्होंने पूछा कि भाई इसका रीज़न तो बताओ, छुट्टी क्यों, पेपर भी चले थे बच्चों के, तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमारी इमरजेंसी मीटिंग है उसकी वजह से छुट्टी है। हमें कुछ बताया नहीं गया था, हमें बस हमें लगा कि अभी ड्रिल थी क्योंकि अभी ट्यूसडे को हमारी ड्रिल हुई थी उसको लेके इमरजेंसी को, और आज भी ड्रिल हुई, तो आज भी ये बेल बजी, तो हमें लगा कि ड्रिल थी तो सब इकट्ठा हो गए, और बहुत बाद में बात चला कि ये ड्रिल नहीं थी, सच में कुछ चेट आया था। पहले सब टीचर्स को भी लगा कि मॉक ड्रिल हो रही है, और सब बोले थे कि ड्रिल है, डरो मत। और फिर एक टीचर ने आके बोला कि नहीं सच में थ्रेट आया, सब लोग अपनी गाड़ी में और बस में बैठो, और सब पेरेंट्स को मैसेज गया और सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आए, और बैग्स भी हमारे अंदर है, बैग्स कल मिलेंगे। हम नोट्स लिख रहे थे, फिर वो हुआ तो हमें लगा ड्रिल है, तो हम सारे बैग छोड़ के सब कुछ छोड़ के नीचे आ गए, ग्राउंड में असेंबल हो गए। नहीं मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, वाइफ के मैं फ़ोन पे मैसेज आया होगा, मैं श्योर नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो लोग हैं जब बच्चों को वापस ले जा रहे हैं और बाकी जो ड्राइवर लोग खड़े हुए हैं उन्होंने बताया स्कूल में छुट्टी हो गई है। अब इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया गया। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है उससे मॉस्को तक इसके तार ट्रेस हो रहे हैं, हालांकि अभी पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता कि कहां से इस ईमेल का ओरिजिन हुआ था, लेकिन कब तक इस पूरे मामले में पुलिस स्पष्टीकरण देगी कि ये किसी आतंकी संगठन का काम है, किसी ऐसे ही शरारती तत्व का काम है, कब तक ये क्लैरिटी आएगी? देखिए इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो मिलकर के काम कर रही हैं। होम मिनिस्ट्री की तरफ से स्पष्ट आदेश है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए, उन्हें ट्रेस किया जाए, तो तमाम जो तरीके हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जो फुटप्रिंट जो मिटाए गए हैं उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज है जो तरीका, मैं आपको रोकूंगी, दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन अलवा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमन जी बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। अब तक आप क्या क्लैरिटी, क्या डिटेल्स आप दे पाएंगी, कहां पर ये ईमेल का लिंक मिल रहा है, कहां से ये भेजा गया है, कुछ बता पाएंगी इस बारे में? देखिए जो मल्टीपल कॉल्स आए थे बॉम्ब थ्रेट के, इसके हम पहले ही बता चुके हैं, इसके दो पहलू हैं, एक है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो उसके लिए हर एक प्रीमाइस है उसको सैनिटाइज किया गया है, कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं मिला है, इसलिए पैनिक ना सह है कि डू नॉट। ठीक है सुमन जी, इस पर काम कर रही हैं, तो इसके ऊपर अभी कुछ भी कमेंट करना वाजिब नहीं होगा। नहीं, ईमेल का मैंने ओरिजिन पूछा, उस बारे में आप कोई क्लैरिटी दे पाएंगी? मॉस्को तक इसके तार जुड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल इस पर क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अभी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है, इसके ऊपर कुछ भी कमेंट करना अभी उचित नहीं होगा। क्या आप ये बता सकते हैं किसी आतंकी संगठन का काम है या फिर किसी शरारती तत्व का? Again, as I said, the investigation is at a nascent stage and right now it will not be appropriate to comment on it. अगर सुमन जी बार बार इस तरह के थ्रेट्स आते हैं तो फिर इसी तरह की ड्रिल हर बार होगी? ये वाली कॉल
बहुत सीरियसली लिया जाता है, इनको ऐसे हाव भाव में नहीं उड़ाया जा सकता बिकॉज इट कंसर्न्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर चिल्ड्रन. तो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स के अनुसार ही होता है और इट इज नॉट गुड टू टॉक इन कंजंक्शन कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा होगा. जब होगा उसको अप्रोप्रिएटली हैंडल किया जाए. सुमन जी, कितने स्कूल को ये ईमेल आया है? जी, मेरे पास अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है. कुछ स्कूल्स ने 112 पर कंट्रोल रूम को बताया था, कुछ लोगों ने डायरेक्टली लोकल पुलिस को किया था. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका. हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ. हिमांशु, देखिए दिल्ली पुलिस भी फूक फूक कर कदम रख रही है. पीआरओ खुद कह रही है कोई स्पष्टीकरण अभी नहीं देना चाहेंगे. अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी खुले तौर पर नहीं कहा जा सकता है. शरारती तत्व है या फिर आतंकी संगठन है, जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती है कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं वो कहेगी और कोई भी स्टेटमेंट नहीं जारी करेगी. लेकिन ऐसे में जो प्रथम दृष्टया लग रहा है वो यही कि एक ऐसे व्यक्ति ने या फिर एक ऐसे संगठन ने पूरी सोची समझी साजिश के तहत करीब 100 स्कूलों को ईमेल भेजा है और ये अपने आप में पहला मामला है. बिल्कुल. और अब पुलिस जो है, ये देखिए जो सीसीटीवी है इस पूरे मामले में अहम रोल है क्योंकि स्कूलों को आइडेंटिफाई कैसे किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल निकल के पुलिस के सामने आया. क्योंकि ये जो स्कूल है गाजिया जहां पर मैं खड़ा हूं, ये इस इलाके का सबसे बड़ा स्कूल है. इसके बाद आप जाइए इस दिल्ली में जाइए, चाहे जिस भी आप इलाके में जाइए, चाहे एनसीआर में जाइए, उन्हीं स्कूलों को ये मेल भेजा गया, थ्रेट मेल भेजा गया जो उस इलाके के बड़े स्कूल है. तो आखिर इनका नाम कैसे अलग किया गया, क्या इन स्कूलों की रेकी भी की गई थी, क्या इनके नाम को सेलेक्ट करने का कोई पैटर्न तरीका अपनाया गया था, यही वजह है कि पुलिस ने न सिर्फ स्कूलों के बल्कि आसपास के तमाम जगहों के सीसीटीवी की भी जांच करनी शुरू कर दी है ताकि अगर कहीं से पुलिस को कोई क्लू मिले और इस केस में पुलिस आगे बढ़ सके. इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट जिस तरीके से मिटाए गए हैं उसको देख करके भी पुलिस को अंदेशा है कि इसके पीछे कोई शातिर शख्स या संगठन हो सकता है. दिशा में जांच आगे बढ़ रही है, सेंट्रल एजेंसीज पूरी तरीके से इसमें लगी हुई हैं और जरूरत पड़ेगी तो आगे जो प्रोटोकॉल है अगर देश के बाहर इन्वेस्टिगेशन जाती है तो उसको भी. डीजीपी नोएडा क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर मैं लौटूंगी आपके पास. हमारे द्वारा निरंतर सघनतापूर्वक चेकिंग चलाई जा रही है, कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है और संपूर्ण रूप से सुरक्षित परिसर है. मेल के बारे में हमारी साइबर टीम जांच कर रही है, अभी तक 7 के बारे में सूचना मिली है. अलग अलग स्कूल्स हैं और वहां हमारी टीम के द्वारा जांच की जा रही है.